हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कहना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द लेडी किलर्स, और ये एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक ब्रिज दिखाया जाता है, और उस ब्रिज के नीचे से एक बड़ी सी बोट गुजर रही होती है। इस बोट पर शहर का बहुत सारा कचरा होता है, और ये कचरा ले जाकर एक छोटे से आइलैंड पर फेंका जा रहा था। मूवी के अगले सीन में हमें शोशियर शहर का एक छोटा पुलिस थाना दिखाया जाता है, और इस पुलिस थाने में दोनों पुलिस ऑफिसर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी उस पुलिस थाने में मारवा संसन नाम की एक बूढ़ी लेडी आकर वहां सो रहे पुलिस ऑफिसर को जगाती है। मारवा पुलिस थाने में शिकायत करने आती है, और वो पुलिस ऑफिसर वाइनर से कहती है, मेरा एक पड़ोसी इन दिनों बहुत ही लाउड म्यूजिक बजा रहा है, और उसके हिप हॉप म्यूजिक के शोर से मेरा घर में रहना मुश्किल हो गया है। मारवा अपनी प्रॉब्लम पुलिस ऑफिसर को बता रही थी, पर पुलिस ऑफिसर उसकी प्रॉब्लम को ज्यादा सीरियस होकर नहीं सुन रहे थे। मारवा पुलिस वालों को अपनी कंप्लेन बताती है और वहां से चली जाती है। मारवा अपने घर पर जाकर दीवार पर टंगी पेंटिंग से बात करने लगती है। दीवार पर मारवा के हस्बैंड ऑथर की फोटो लगी हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। मारवा उस बड़े से घर में अकेली रहा करती थी अपनी कैट पिकल के साथ। मारवा घर पर आकर ऑथर की फोटो से बात कर रही होती है, और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। मारवा अपने घर का दरवाजा खोलती है, तो वो देखती है उसके घर के बाहर कोई अजनबी आदमी खड़ा हुआ था। इस आदमी का नाम प्रोफेसर जीएस डोर होता है, और दरवाजे के खुलते ही मारवा की बिल्ली बाहर भाग जाती है। मारवा प्रोफेसर डोर से कहती है, मेरी बिल्ली को पकड़ो। आगे प्रोफेसर और मारवा बिल्ली को देखने जाते है, तो मारवा की बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई थी, और मारवा गुस्से से प्रोफेसर से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी बिल्ली पेड़ पर चढ़ी, अब तुम मेरी बिल्ली को नीचे उतारोगे, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस का नाम सुनते ही प्रोफेसर डोर थोड़ा डर जाता है, और वो मारवा की बिल्ली को पेड़ से नीचे उतारने के लिए राजी हो जाता है। आगे प्रोफेसर मारवा की बिल्ली को पकड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ता है, पर प्रोफेसर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। आगे मारवा के लिविंग रूम में प्रोफेसर को होश आता है, तो प्रोफेसर को चोट आई थी, और मारवा प्रोफेसर को टी ऑफर करती है, और प्रोफेसर मारवा से कहता है, मैं प्रोफेसर जीएस डोर हूँ पीएचडी, और ऐसा कहकर प्रोफेसर डोर नॉनस्टॉप मारवा से बातें करने लगता है। प्रोफेसर की टाइम और लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ थी, और वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो शुद्ध हिंदी में पोयम सुना रहा हो। डोर मारवा को अपने अच्छे एकेडमिक और कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में बताता है, पर मारवा को ना इतनी बड़ी बड़ी डिग्री के बारे में कुछ पता होता है, और ना ही वो प्रोफेसर डोर की बातों में इंटरेस्ट ले रही थी। आगे मारवा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोफेसर डोर को बॉब जॉन यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है, जो कि एक बाइबल स्कूल था। मारवा बताती कि वो इस यूनिवर्सिटी में हर महीने $5 डोनेट करती है, और जब मारवा का नाम उस यूनिवर्सिटी के न्यूज लेटर में आता है, तो वो देखकर मारवा को बहुत खुशी होती है। मारवा प्रोफेसर डोर को उस यूनिवर्सिटी के बारे में और ज्यादा बताने लगती है, पर प्रोफेसर डोर मारवा की बातों को बीच में ही काट कर कहते हैं, मैं यहाँ पर आपका रूम रेंट पर लेने आया हूँ। आगे मारवा रूम दिखाने के लिए डोर को अपने साथ ऊपर ले जाती है, और डोर की बातों को सुनकर मारवा को लगता है कि डोर किसी म्यूजिक बैंड का हिस्सा है, और वो हिप हॉप म्यूजिक प्ले करता है। तब प्रोफेसर डोर मारवा के घर में जीजस की फोटो देखते हैं, और प्रोफेसर समझ जाता है कि मारवा एक रिलीजियस लेडी है। तब प्रोफेसर डोर मारवा से कहता है, हम जिस तरह का म्यूजिक प्ले करते हैं उस म्यूजिक के लिए बैंड वर्ड सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग भगवान को समर्पित रिलीजियस म्यूजिक प्ले करते हैं। मारवा को ये बात सुनकर प्रोफेसर डोर के म्यूजिक से कोई भी शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो खुद भी चर्च में जाकर रिलीजियस म्यूजिक सुनने की आदी थी। आगे बातों ही बातों में डोर मारवा से पूछता है, क्या आपके घर में कोई बेसमेंट है जहाँ पर हम लोग हमारे म्यूजिक की प्रैक्टिस कर सके। मारवा प्रोफेसर को अपने घर का बेसमेंट दिखाने के लिए ले जाती है, और प्रोफेसर डोर को वो जगह बहुत पसंद आती है, और वो अपनी छड़ी से मिट्टी की कच्ची दीवारों को टटोल कर देखता है। मारवा प्रोफेसर को वो बेसमेंट यूज करने की इजाजत दे देती है। आगे मूवी में हमें ग्वेन नाम का लड़का दिखाया जाता है, और ग्वेन एक कसिनो में साफ सफाई का काम करता है, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है। तब कसिनो में ही काम करने वाला एक दूसरा लड़का ग्वेन को उस कसिनो की जानकारी देता है। आगे ग्वेन के साथ काम करने वाला लड़का ग्वेन को
उस कैसीनो के मेन रूम में ले जाता है, जिस जगह पर उस कैसीनो का सारा कैश रखा जाता था और गिना जाता था। आगे मूवी में हमें एक मूवी की शूटिंग दिखाई जाती है, जहां पर विस्फोट के बीच में से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और वो डॉग फूड के पास आकर डॉग फूड खाने लगता है। तभी उस मूवी का डायरेक्टर आकर उस कुत्ते को रोकता है और वो मूवी के प्रॉप्स आर्टिस्ट को बुलाता है। तब वहां पर गार्थ पेन के एक नाम का आदमी आता है, जो कि मूवी की शूटिंग में प्रॉप्स और एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट होता है। मूवी का डायरेक्टर पेन केक को कहता है कि इस कुत्ते को ढंग का कुछ पहनाओ ताकि वो बीती हुई सदी का लग सके। तब पेन केक अपने जूनियर को बुलाकर कुत्ते को कुछ पहनाने के लिए कहता है और पेन केक की जूनियर उस कुत्ते को गैस मास्क पहनाकर ले आती है। कुत्ते को गैस मास्क पहना हुआ देखकर वो डायरेक्टर और ज्यादा चिढ़ जाता है। तब पेन केक कहता है हमें पहले विश्व युद्ध का दृश्य दिखाना है और ये पहले विश्व युद्ध का विंटेज गैस मास्क है। तब डायरेक्टर पेन केक पर चिल्लाता है और वो कहता है अगर हम इसे गैस मास्क पहना देंगे तो इसे खाता हुआ कैसे दिखाएंगे, मैंने तुम्हें इसकी कॉलर पर कुछ पहनाने के लिए कहा था, जल्दी से इसे निकाल दो इससे पहले कि वहां खड़ा क्लाइंट इस कुत्ते को ये पहना हुआ देखे। तब पेन केक उस कुत्ते के मुंह से वो मास्क निकालने लगता है, पर सांस बंद होने के कारण वो कुत्ता मर जाता है और पेन केक अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ब्लंडर कर देता है। मूवी के अगले सीन में हमें लम हडसन नाम के आदमी के बारे में बताया जाता है, जो कि एक रग्बी प्लेयर है और लम रग्बी इतनी बुरी खेलता है कि उसकी वजह से उसकी टीम हार जाती है। तब लम की टीम का कोच लम पर चिल्लाता है, लम का शरीर देखने में जितना बड़ा था उसका दिमाग उतना ही छोटा होता है। मूवी के अगले सीन में हमें एक डोनट स्टोर दिखाया जाता है और उस डोनट स्टोर में दो आदमी गन लेकर घुस जाते हैं और वो दोनों आदमी काउंटर पर बैठी लेडी से कैश देने के लिए कहते हैं। तब लेडी अंदर से अपने हस्बैंड को बुलाती है। तब लेडी का हस्बैंड सिगरेट पीता हुआ अंदर से बाहर आता है और इस आदमी का नाम मूवी में द जनरल होता है और वो दोनों आदमी जनरल से भी स्टोर का पैसा निकालने के लिए कहते हैं। तब जनरल अपनी दोनों उंगली उनमें से एक आदमी की नाक में डाल देता है और तभी काउंटर पर बैठी लेडी गर्म चाय को दूसरे आदमी पर डाल देती है और वो दोनों आदमी हार कर वहां से भाग जाते हैं। एक दिन मारवा अपने घर पर होती है, तभी प्रोफेसर डोर दरवाजा खटखटाता है। मारवा घर के बाहर आती है तो वो देखती है उसके घर के बाहर एक फ्यूनरल वैन खड़ी हुई थी और डोर मारवा से कहता है उसके दोस्त आज म्यूजिक प्रैक्टिस करेंगे इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। प्रोफेसर मारवा से अपने दोस्तों को मिलाता है, तब मारवा जनरल को दरवाजे पर ही रोक लेती है क्योंकि वो सिगरेट पी रहा था और मारवा कहती है मेरे घर में कोई सिगरेट नहीं पिएगा। तब जनरल अपनी सिगरेट फेंक देता है और प्रोफेसर डोर अपने सारे दोस्तों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर उस घर के बेसमेंट में ले जाता है जिसमें वो म्यूजिक प्ले कर सकते थे और वो सभी लोग म्यूजिक सिस्टम को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कभी म्यूजिक बजाए ना हो क्योंकि उनमें से कोई भी असली म्यूजिशियन नहीं था। असल में वो सभी लोग क्रिमिनल्स थे और वो वहां पर एक क्राइम को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। आगे प्रोफेसर अपने पास से मैप निकालकर उसे टेबल पर रखता है और वो लोग म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक चला देते हैं। प्रोफेसर अपने प्लान में सभी लोगों को बताता है तो हमारा मेन टारगेट है बोट कैसीनो जो कि बैंडेड क्वीन में है। ये कैसीनो मारवा के घर से ज्यादा दूर नहीं है जहां पर हम सभी इस समय है। मिसिसिपी में कानून होता है कि कोई भी कैसीनो जमीन पर नहीं चलाया जा सकता, हालांकि ये बात अलग है कि कैसीनो बोट पर लीगली और आराम से चलाए जाते हैं। गैम्बलिंग छोड़कर इन बोट कैसीनो से जुड़े बाकी सारे काम जैसे कैसीनो का ऑफिस, लॉकर रूम और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश काउंटिंग रूम्स, ये सारे जमीन पर ही चलाए जाते हैं। इन कैसीनो का पैसा कहाँ रखा जाता है इसके बारे में आपको आगे ग्वेन बताएगा। तब ग्वेन कहता है हर रोज शिफ्ट खत्म होने के बाद सारा कैश एक बॉक्स में काउंट होने के लिए काउंटिंग रूम में आता है और यह काउंटिंग रूम असल में एक अंडरग्राउंड ऑफिस है। तब प्रोफेसर अंडरग्राउंड वर्ड पर फोकस करके कहता है और आगे प्रोफेसर मैप में सभी को लोकेशन दिखाते हुए कहता है बोट कैसीनो से जुड़ा हुआ ये अंडरग्राउंड ऑफिस हेवीली गार्डेड है। कैसीनो के बंद होने के बाद इस पूरे अंडरग्राउंड ऑफिस में भी ताला लगा दिया जाता है और गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। इस अंडरग्राउंड ऑफिस का दरवाजा भले ही स्टील का बना हुआ है पर इसकी दीवारें कच्ची है और इस अंडरग्राउंड ऑफिस की दीवार और जिस बेसमेंट में इस वक्त आप लोग खड़े हैं, इनके बीच बस सालों से जमा हुई कुछ नाजुक मिट्टी की परतें हैं। आगे प्रोफेसर डोर सभी मेंबर को रॉबरी में उनका रोल बताते हैं और प्रोफेसर कहता है द जनरल जो कि एक वियतनाम गोरिल्ला वार फाइटर है, उन्हें सुरंग बनाने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर सुरंग बनाने के ऑपरेशन पर काम करेंगे।
पेनकेक इस प्लान में विस्फोटक और तोड़फोड़ का काम देखेंगे। ग्वेन हमारे कसिनो का इनसाइड मैन होगा जो कसिनो के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देगा। और आखिरी में बचा लम जो कि एक ताकतवर इंसान है, इसलिए ताकत से जुड़े सारे काम वही करेगा। आगे वो सभी लोग वहां पर सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं और सुरंग खोदते समय जो भी मिट्टी इकट्ठा होती थी उसे वो बड़े पॉलीबैग में डालकर रात में घर से वैन में ले जाते हैं और ब्रिज पर जाकर उन मिट्टी से भरे गार्बेज बैग को ब्रिज के नीचे से निकल रही कचरे की बोट में डाल देते हैं। रोजाना वो इस तरह का काम करते थे और उन्होंने टनल काफी अंदर तक खोद दी थी। एक दिन सभी टनल खोद रहे होते हैं तभी मारवा अचानक से डोर नॉक करती है। डोर नॉक की आवाज सुनते ही ग्वेन सीटी बजाकर इशारा करता है और पैनकेक और लम्ब टनल से दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं और टनल को एक पोस्टर जैसे पर्दे से ढक देते हैं और सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पकड़कर अपनी अपनी पोजीशन पर बैठ जाते हैं। मारवा को नीचे आते देख प्रोफेसर म्यूजिक सिस्टम बंद कर देता है। मारवा बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और वो लम को देखकर कहती है, इसे इतना पसीना क्यों आ रहा है? लम जवाब देते हकलाने लगता है तभी बीच बचाव करते हुए ग्वेन लम की तरफ से बोलने लगता है। वो मारवा को समझाने की कोशिश करने लगता है तब ग्वेन की लैंग्वेज लफंगो जैसी होती है और मारवा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह ग्वेन को थप्पड़ मारती है। मारवा कहती है, ये क्रिश्चियन लेडी का घर है और यहाँ पर तुम ऐसी गंदी बातें नहीं कर सकते। तब प्रोफेसर वापस अपनी बातों में मारवा को उलझाता है और वो उसे शांत करके अपने साथ ऊपर ले जाता है। मूवी के अगले सीन में ग्वेन बोट कैसीनो में होता है और वो काम करते हुए एक फीमेल कस्टमर को छेड़ रहा होता है। वो लेडी ग्वेन की कंप्लेन उस कैसीनो के मैनेजर से कर देती है और उस कैसीनो का मैनेजर ग्वेन को अपने ऑफिस में बुलाता है और वो कहता है, इस तरह का बिहेवियर हमारे कैसीनो में नहीं चलता। जिस तरह का व्यवहार तुमने उस लेडी से किया था इसलिए तुम्हें इस जॉब से निकाला जाता है। आगे पूरी टीम एक रेस्टोरेंट में मिलती है और प्रोफेसर को ग्वेन की नौकरी छूट जाने के बारे में पता चलता है और ये सुनकर वो काफी परेशान होता है। तभी वहाँ बेटा पैनकेक कहता है, हमारे प्लान में एक और नई मुसीबत आ चुकी है, हमें टनल में एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मिला है। यह सुनकर प्रोफेसर कहता है, किसी पोएट ने सही कहा है, मुसीबतें कभी भी अकेले नहीं आती। तब पैनकेक कहता है, हमें उस पत्थर की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, हम उस पत्थर के अंदर होल करेंगे और विस्फोटक लगा के उसे उड़ा डालेंगे। तभी वहां पर पैनकेक की गर्लफ्रेंड माउंटेन गर्ल आ जाती है और पैनकेक सभी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है। पैनकेक की गर्लफ्रेंड को देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वो इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और खासकर ये बात ग्वेन को कही गई थी। इसलिए ग्वेन पैनकेक की गर्लफ्रेंड को देखकर उस पर चिढ़ता है और ग्वेन पैनकेक की गर्लफ्रेंड को बिच कहकर बुलाने लगता है। इस बात को लेकर पैनकेक गुस्सा होता है और ग्वेन और पैनकेक के बीच हाथापाई होने लगती है। तब ग्वेन अपनी गन निकालकर उसे पैनकेक और उसकी गर्लफ्रेंड पर पॉइंट कर देता है। तब प्रोफेसर सिचुएशन को संभालते हुए ग्वेन को शांत करता है। आगे प्रोफेसर कहता है, क्योंकि हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है इसलिए हम पैनकेक की गर्लफ्रेंड पर ट्रस्ट करेंगे। दूसरी तरफ ग्वेन भी कैसीनो के मैनेजर के पास जाकर उसकी गलती के लिए माफी मांगता है। तब मैनेजर वापस एक हफ्ते के लिए ग्वेन को मौका देता है कि वो एक हफ्ते के लिए अच्छा काम करके दिखाए तो उसे वापस जॉब पर रख लिया जाएगा। आगे पैनकेक टनल के अंदर ड्रिल मशीन से होल कर रहा होता है पर उसे इस काम में काफी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए पैनकेक ग्वेन से उसके काम में मदद मांगता है पर ग्वेन पैनकेक की मदद करने से मना कर देता है। पैनकेक और ग्वेन के बीच पहले से ही अच्छी नहीं बनती थी इसलिए वो दोनों वापस हाथापाई पर आ जाते हैं। उसी समय बेसमेंट के अंदर मारवा आती है और मारवा की आवाज सुनते ही सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर बैठ जाते हैं और टनल को एक पोस्टर जैसे पर्दे से ढक देते हैं। मारवा सभी के लिए अपने साथ कुकीज लेकर आई थी। वो सभी को कुकीज देती है और कहती है, मेरी एक फ्रेंड मेरा बाहर वेट कर रही है, मैं उसके साथ एक रिलीजियस प्रोग्राम में जाने वाली हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और प्रोफेसर मारवा और उसकी फ्रेंड को कार तक छोड़ने के लिए भी जाता है। बेसमेंट में पैनकेक सभी को विस्फोटक के बारे में बता रहा होता है और पैनकेक कहता है, हम विस्फोटक C4 को रॉक के बीच में लगाएंगे और उसे ब्लास्ट कर देंगे और चोरी हो जाने के बाद पैसों को लॉकर रूम से बाहर लाने के बाद हम वापस सुरंग के अंदर ऐसा ही एक ब्लास्ट करेंगे जिससे मिट्टी ढह जाएगी और सुरंग बंद हो जाएगी। पैनकेक समझाते हुए हर बार की तरह ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। वो सभी को दिखाना चाह रहा था कि विस्फोटक बिना ट्रिगर दबाए बिल्कुल सेफ है और बताते समय वो हथौड़ा विस्फोटक पर मार देता है
और अचानक विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण मारवा का पूरा घर हिल जाता है। विस्फोटक की आवाज सुनकर मारवा भी शॉक रह जाती है और वो कहती है, आखिर मेरे घर के अंदर हो क्या रहा है। तब प्रोफेसर मारवा से कहता है, मैंने हल्की सी आवाज सुनी है, पर मैं नहीं चाहता कि आपका प्रोग्राम मिस करें। मैं गैस पाइपलाइन वालों को बुलवाऊंगा और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दूंगा। प्रोफेसर मारवा को वहां से जाने के लिए कहता है और प्रोफेसर खुद हड़बड़ाता हुआ घर के अंदर जाता है। प्रोफेसर जैसे ही घर के अंदर जाता है, लंप बेसमेंट से बाहर निकलता है और वो ब्लड ब्लड चिल्ला रहा था। आगे सभी बेसमेंट के दरवाजे से बाहर आते है और पेनकेक के हाथ से खून बह रहा था और पेनकेक कह रहा था, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब ग्वेन कहता है, तुम्हारी एक उंगली टूट कर नीचे गिर गई है और तुम कह रहे हो सब कुछ ठीक है। पेनकेक की हालत बिगड़ चुकी थी और वो बेहोश होने वाला था। ये देखकर प्रोफेसर कहता है, हमें पेनकेक को हॉस्पिटल ले जाना होगा। अगले दिन फिर से सभी लोग अपने अपने मिशन पर लग जाते हैं। उन्होंने विस्फोट करके पत्थर को ब्रेक कर दिया था और उस टूटे हुए पत्थर को उन्होंने सुरंग से हटा दिया था। और प्रोफेसर आगे का प्लान पेनकेक से पूछता है। तब पेनकेक कहता है, हम लॉकर रूम से कुछ ही फीट की दूरी पर है, जैसे ही हम लॉकर रूम के पास पहुंच जाएंगे उसके बाद कच्ची दीवार आएगी, हम उस दीवार को ड्रिल मशीन से तोड़ेंगे और पैसा लॉकर रूम से बाहर निकाल लेंगे। आगे सभी लोग अपनी अपनी घड़ी मिलाते हैं और प्लान के अंतिम दौर के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्वेन अपनी शिफ्ट में काम करने के लिए कैसीनो बोर्ड पर चला जाता है और ग्वेन अपनी सफाई की ट्रॉली लेकर कैश काउंटर रूम के बाहर वेट करने लगता है। सुरंग के जरिए दीवार तोड़कर काउंटिंग रूम के अंदर जनरल, पेनकेक और लम तीनों आ जाते हैं और वो अंदर से काउंटिंग रूम का दरवाजा खोल देते हैं और वो लोग ग्वेन को भी काउंटिंग रूम के अंदर बुला लेते हैं। दूसरी तरफ चर्च में मारवा थी और वो चर्च में रिलीजियस प्रोग्राम अटेंड कर रही थी और थोड़ा प्रोग्राम अटेंड करके मारवा जल्द ही चर्च से घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ कैश काउंटिंग रूम के अंदर पेनकेक और जनरल पैसों को पॉली बैग में भर रहे थे। इस तरह से लम, जनरल और पेनकेक कैश काउंटर का सारा पैसा सुरंग के जरिए बेसमेंट तक पहुंचा देते हैं। और दूसरी तरफ काउंटिंग रूम में ग्वेन टूटी हुई दीवार की मरम्मत करके उसे वापस पहले जैसा कर देता है। तब तक मारवा भी चर्च से अपने घर में लौट आती है और बेसमेंट में प्रोफेसर और बाकी मेंबर उनके प्लान की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसके बाद पेनकेक की नजर वापस सुरंग पर पड़ती है क्योंकि उसने सुरंग के अंदर एक विस्फोटक लगा रखा था जिससे सुरंग को अब तक वापस बंद हो जाना था, पर अभी तक भी वो ब्लास्ट नहीं हुआ था। और ये देखकर प्रोफेसर कहता है, ये ब्लास्ट होना बहुत जरूरी है और हमारे प्लान का आखिरी हिस्सा है, ताकि हम सुरंग बंद कर दे और किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से चोरी हुआ है। यह सुनकर पेनकेक वापस सुरंग के अंदर जाने लगता है विस्फोटक को देखने कि विस्फोटक अभी तक क्यों नहीं फटा था। दूसरी तरफ ग्वेन भी काउंटिंग रूम की दीवार पूरी तरह से बना चुका था और उसे फिनिशिंग टच दे देता है। पेनकेक जाकर विस्फोटक को देखता है तो विस्फोटक फटने के 14 सेकंड पहले ही बंद हो चुका था। तब पेनकेक टाइमर को उठाकर उसे थोड़ा हिलाने लगता है और टाइमर वापस चालू हो जाता है और आगे बस 13 सेकंड ही बचे थे सुरंग में ब्लास्ट होने वाला था। यह देखकर पेनकेक घबरा जाता है और वह जल्दी जल्दी में सुरंग से वापस बाहर निकलने लगता है। और पेनकेक के सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंचते ही सुरंग में एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे पेनकेक सुरंग के बाहर फेंका जाता है। घर के अंदर काम करने वाली मारवा को और कैसीनो के अंदर काम करने वाले ग्वेन को और उसके साथ काम कर रहे एक और आदमी को भी धमाके की आवाज सुनाई आती है। आवाज को सुनकर ग्वेन साथ काम करने वाले आदमी से कहता है, क्या यह आवाज तुमने की थी? यह सुनकर वो आदमी ग्वेन को देखकर हंसने लगता है और ग्वेन भी हंसने लगता है और ग्वेन चुपचाप वहां से निकल जाता है। मारवा बेसमेंट रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है पूरे बेसमेंट रूम में नोट उड़ रहे थे और प्रोफेसर और बाकी सभी लोग नोट को पकड़ रहे थे। ये देखकर मारवा कहती है, आखिर यहाँ सब हो क्या रहा है? मैंने अपने कुछ दोस्तों को चाय पर बुलाया था, उनके वापस यहाँ से जाने के बाद मैं चाहती हूँ प्रोफेसर तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा था। ऐसा कहकर मारवा अपने गेस्ट को अटेंड करने चली जाती है और प्रोफेसर उसके साथी वापस नोटों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। अपने मेहमानों को घर के अंदर बुलाकर मारवा वापस बेसमेंट में जाती है और वो प्रोफेसर और उसके साथियों से कहती है, मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि उसके घर के किराएदार काफी अच्छे म्यूजिशियन हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ प्रोफेसर तुम अपने दोस्तों के साथ मेरे दोस्तों के सामने परफॉर्म करो, उसके बाद हम इस मुद्दे पर बात करेंगे।
आगे प्रोफेसर पेनकेक, जनरल और लंब, ये सभी लोग मारवा के मेहमानों के पास जाते हैं और प्रोफेसर वहां बैठी सभी लेडीज के सामने बहाना करता है क्योंकि हमारे बैंड का एक और साथी ग्वेन वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया है और ग्वेन के बिना हमारा परफॉर्मेंस अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए म्यूजिक प्ले करने की बजाय मैं आप सभी को एक अच्छी पोयम सुनाऊंगा। और जैसे ही प्रोफेसर पोयम सुनाना शुरू करता है वहां बैठी सभी लेडीज प्रोफेसर की पोयम में खो जाती है और सभी प्रोफेसर की पोयम से खुश होके वहां से खुशी खुशी चली जाती है। बेसमेंट में जो कुछ हो रहा था ये समझाने के लिए प्रोफेसर मारवा को किचन में ले जाता है जहाँ पर लंब और पेनकेक मारवा के घर के बर्तन धो रहे थे और प्रोफेसर मारवा को एक झूठी कहानी बताता है। प्रोफेसर मारवा को कहता है लंब को कुछ आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने का शौक है और उसे बेसमेंट में मिट्टी के अंदर धसा हुआ एक सालों पुराना आदिवासियों का तीर मिला है। आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने के चक्कर में लैंप उस मिट्टी की दीवार में खुदाई करने लगा और उसके हाथों एक नेचुरल गैस की पाइप फट गई और वहीं पर ब्लास्ट हुआ। यह सब सुनकर मारवा कहती है और वो पैसे कहां से आए जो बेसमेंट में चारों तरफ उड़ रहे थे। प्रोफेसर कहता है पेनकेक ने अपना घर बेचा था, ये पैसा उसी का था। मारवा प्रोफेसर की बातों को सुनकर थोड़ा सोचती है और फिर वो कहती है मुझे तुम्हारी कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए मैं पुलिस ऑफिसर वाइनर को बुला रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही प्रोफेसर मारवा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो लेडी मारवा को अकेले में बिठाकर उसे चोरी की सारी सच्चाई बता देता है और ये बताने के बाद प्रोफेसर लेडी मारवा को लालच देना शुरू करता है और प्रोफेसर कहता है हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लूट के माल में से एक हिस्सा बॉब जॉन यूनिवर्सिटी को दे देंगे जिसे मारवा हर महीने चंदा भेजती है। ये सुनकर मारवा कहती है लेकिन ये सब तो चोरी का पैसा है। यह सुनकर प्रोफेसर कहता है लेकिन इस चोरी का विक्टिम कोई नहीं है, यह सारा पैसा कसिनो का है और एक कसिनो पैसा कैसे कमाता है ये सब आपको पता है और जो कसिनो के पास पैसा होता है उन सभी पैसों का इंश्योरेंस होता है। कसिनो को इंश्योरेंस कंपनी से वापस पूरा पैसा मिल जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी इतनी बड़ी होती है कि अगर उसके नुकसान को उसके हर एक कस्टमर में बांटा भी जाएगा तो भी उसके हर कस्टमर के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक सेंट आएगा, यानी कस्टमर के पास से सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जिसके बारे में कस्टमर कभी सोचेगा भी नहीं। प्रोफेसर की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर मारवा हैरान हो जाती है और वो प्रोफेसर की बातों में आने लगती है और उसे लगने लगता है कि इन चोरी के पैसों से शायद किसी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला और इन पैसों से बॉब जॉन्स यूनिवर्सिटी के काफी जरूरतमंद लोगों को फायदा भी मिल सकता है। यह सुनकर मारवा ऑथर की फोटो की तरफ देखती है और ऑथर के एक्सप्रेशन को देखकर वो प्रोफेसर का ऑफर रिजेक्ट कर देती है और मारवा कहती है ये गलत है और ये एक चोरी है, लेकिन मैं तुम्हें सुधरने का एक और मौका देना चाहती हूँ। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी पर अगर तुम सारे पैसे कसिनो को वापस लौटा दोगे और अगले संडे मेरे साथ चर्च में चलोगे तो। मारवा अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है। प्रोफेसर और उसके सभी साथी सोच में पड़ जाते हैं कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनके पास बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सभी मिलकर लेडी मारवा को किसी भी तरह से मार दे। पर सवाल ये होता है कि आखिर लेडी मारवा को मारेगा कौन। तब वो सभी डिसाइड करने के लिए लकड़ी के पास तिनके लेते हैं, जिनमें से एक तिनके को प्रोफेसर तोड़कर छोटा कर देता है और उन तिनकों को बाकी तिनकों के साथ मिलाकर सभी लोगों को एक एक तिनका निकालने के लिए कहता है और जिसके हिस्से में टूटा हुआ तिनका आएगा वही लेडी मारवा को मारने वाला था। और सभी उसमें से एक एक तिनका सिलेक्ट करके निकालते है और इस काम में सबसे छोटा तिनका ग्वेन के हिस्से में आता है। ये देखकर ग्वेन थोड़ा डरने लगता है और वो अपनी गन लेकर लेडी मारवा को ऊपर मारने जाने लगता है। मारवा ऊपर आग के पास बैठकर अपना स्वेटर बुन रही होती है। तब ग्वेन एक तकिया उठाकर तकिए के पीछे अपनी गन छिपा लेता है और वो मारवा को मारने उसके पास जाने लगता है। तभी ग्वेन को अपना बचपन याद आने लगता है और उसे अपनी माँ की याद आने लगती है और वो वापस बेसमेंट में जाकर सभी से कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मारवा को देखकर मुझे मेरी माँ याद आती है। तब पेनकेक ग्वेन को कहता है यह आदमी डरपोक है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर ग्वेन पेनकेक को बुरा भला कहने लगता है और वो पेनकेक की गर्लफ्रेंड को भी बुरा भला कहता है। इससे पेनकेक चिढ़ जाता है और पेनकेक और ग्वेन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ग्वेन के हाथ में गन थी
और हाथापाई के दौरान ही उसके हाथ से गन चल जाती है और गन बीच में होती है तो गोली ग्वेन को ही जाकर लग जाती है और ग्वेन की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। ग्वेन के मरने के बाद उन सभी के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो चुकी थी कि अब उन्हें लेडी मारवा को मारने के साथ साथ ग्वेन की बॉडी को ठिकाने भी लगाना पड़ेगा। ऊपर मारवा किचन में काम कर रही होती है तभी प्रोफेसर मारवा के पास जाता है और प्रोफेसर मारवा को अपनी बातों में वापस उलझाने लगता है। तब तक जनरल पेनकेक और लंब ग्वेन की बॉडी को एक पॉलिथीन में भरकर उसे घर से बाहर ले जाते हैं और ग्वेन की बॉडी को वो तीनों ब्रिज के ऊपर ले जाकर उसे ब्रिज के नीचे से गुजर रही गार्बेज बोर्ड पर फेंक देते हैं। आगे वापस प्रोफेसर बेसमेंट में जाता है तो वो देखता है पेनकेक दो बड़े बड़े बैगों में कुछ भर रहा था। प्रोफेसर पेनकेक से पूछता है इन बैग्स में क्या है। तब पेनकेक कहता है मैं बस रूम की सफाई करके कचरा बाहर ले जा रहा था। और ऐसा कहकर पेनकेक वो दोनों बैग अपने साथ ले जाता है। प्रोफेसर को पेनकेक की बातों पर कुछ शक होता है और प्रोफेसर उस बॉक्स को चेक करता है जिसमें उसने पैसे रखे थे। प्रोफेसर उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उस बॉक्स में कई सारी मैगजीन थी पर पैसे उसमें नहीं थे। पेनकेक पैसों को बैग में भरकर अपने साथ ले गया था। उसी वक्त वहां पर जनरल भी आ जाता है और प्रोफेसर जनरल को सब कुछ बताता है। पेनकेक पैसों को चुराकर अपनी वैन के पास जा रहा था जो वैन घर के पास ही खड़ी थी और उस वैन में पेनकेक की गर्लफ्रेंड भी उसका इंतजार कर रही थी। तभी जनरल दौड़कर पेनकेक के पास जाता है और वो वायर से पेनकेक के गले को दबाकर उसे वहीं पर मार देता है। आगे जनरल और लम पेनकेक की बॉडी को और उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी को ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली गार्बेज बोर्ड पर डाल देते हैं। आगे प्रोफेसर अपने हाथ में लकड़ी के तीन तिनके रखता है और लंप और जनरल को उसमें से एक एक तिनका निकालने के लिए कहता है और इस बार छोटा तिनका जनरल के पास आता है। लेडी मारवा अपने रूम में सो रही होती है तभी जनरल सिगरेट अपने मुंह में दबाए लेडी मारवा के रूम की तरफ बढ़ता है। लेडी मारवा सिगरेट के धुएं से जाग जाती इसलिए जनरल जलती हुई सिगरेट को अपने मुंह में ही छुपा लेता है और वो लेडी मारवा के रूम में जाकर वायर से उसका गला घोटने वाला होता है। तभी उस रूम में लगा कुकू क्लॉक का घंटा बजने लगता है और अचानक घड़ी की आवाज सुनकर जनरल डर जाता है और गलती से वो जलती हुई सिगरेट को निगल जाता है। जनरल का गला जलता है। जनरल टेबल पर ही रखी पानी की गिलास उठाकर उसमें से पानी पीने लगता है। तब उसे दिखाई देता है कि उस ग्लास में लेडी मारवा का जबड़ा रखा हुआ था। ये देखकर जनरल उस पानी को भी नहीं निगल पाता और वो दौड़कर रूम से बाहर जाने लगता है और सीढ़ियों से नीचे जाता है। तभी लेडी मारवा की बिल्ली अचानक सीढ़ियों पर आ जाती है और जनरल उस बिल्ली से टकराकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और सर सीढ़ियों से टकराने के कारण जनरल की भी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। आगे प्रोफेसर लम ब्रिज के ऊपर जाते हैं जनरल की बॉडी को लेकर। ब्रिज के नीचे से गार्बेज बोर्ड गुजरती है और वो दोनों जनरल की बॉडी को गार्बेज बोर्ड में फेंक देते हैं। प्रोफेसर लम को अपनी रिवॉल्वर देता है और उससे कहता है तुम ये गन लेकर जाओ और लेडी मारवा को मार दो। गन को अपने हाथ में लेकर लम कहता है मैं इतनी बूढ़ी लेडी को नहीं मार सकता। लम की बात को सुनकर प्रोफेसर कहता है अगर लम तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें लूट के माल में से पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ये काम फिर मुझे ही करना पड़ेगा। ये सुनकर लम कहता है मैं तुम्हें भी उस बूढ़ी लेडी को नहीं मारने दूंगा और लम प्रोफेसर पर गन तान देता है और गन का ट्रिगर दबा देता है पर उस गन के अंदर से गोली नहीं निकलती। गोली को चेक करने के लिए लम गन का मुंह अपनी तरफ करता है और वो वापस से ट्रिगर दबाता है और इस बार गोली चल जाती है और लम का भेजा उड़ जाता है। लम की बॉडी सीधे ब्रिज के नीचे जाकर गार्बेज बोर्ड पर जा गिरती है। ये देखकर प्रोफेसर को एहसास होता है कि अब लूट के माल का वो अकेला ही हिस्सेदार बचा है। प्रोफेसर के ठीक ऊपर एक पत्थर की मूर्ति लगी थी और वो मूर्ति काफी पुरानी हो चुकी थी। इस मूर्ति पर आकर एक कौवा बैठता है और प्रोफेसर को अपने फेवरेट राइटर की एक पोयम याद आती है और प्रोफेसर उस पोयम को बोलने लगता है। तभी वो कौवा वापस उस मूर्ति से उड़कर वहां से चला जाता है और वो सर टूटकर मूर्ति के नीचे खड़े प्रोफेसर के सर पर जा गिरता है जिससे प्रोफेसर भी ब्रिज के नीचे जा गिरते हैं और कोट के सहारे किसी चीज से वहां पर लटक जाते हैं। तभी ब्रिज के नीचे से वापस गार्बेज बोर्ड गुजरती है और प्रोफेसर की लाश उस बोर्ड पर जाकर गिर जाती है। सुबह लेडी मारवा उठती है तो उसके घर आए न्यूज़पेपर में कसिनो की चोरी की खबर छपी थी। उस न्यूज को देखकर लेडी मारवा बेसमेंट में जाती है तो वहां पर उसे प्रोफेसर और कोई भी दिखाई नहीं देता पर वो लोग बेसमेंट में कई सारा केस छोड़कर चले गए थे।
यह देखकर लेडी मारवा पुलिस स्टेशन जाती है और वो पुलिस ऑफिसर वाइनर से कहती है उसे कसिनो की चोरी के बारे में पता है। उन चोरों ने कसिनो से पैसा चुराया और सारा पैसा मेरे घर के बेसमेंट में ही छोड़कर चले गए। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर वाइनर को मारवा की ये कहानी उसकी इमेजिनेशन लगती है। मारवा पूछती है कि वो उस पैसों का क्या करे। तब वाइनर मारवा से पीछे छुड़ाने के लिए कहता है, एक काम कीजिए, उन सारे पैसों को आप ही रख लीजिए और जहां चाहे उसे यूज कीजिए या तो उसे डोनेट कर दीजिए। मारवा पुलिस वालों की ये बात सुनकर सोचने लगती है और वो कहती है, क्या मैं ये सारा पैसा बॉब जॉन यूनिवर्सिटी को डोनेट कर सकती हूँ? पुलिस ऑफिसर कहते है, हाँ आप कर सकती हो। यह सुनकर मारवा बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इन वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।